नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंकुर परासर है और मैं एज अ फिल्म मेकर एंड स्क्रीन राइटर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो आज का स्ट्रक्चर रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में हम विपरीत कालानुक्रमिक संरचना कह सकते हैं। फिल्म का स्टार्टिंग है, ये जो स्क्रीन प्ले का स्टार्ट का पार्ट होता है वो एक्चुअली एंड का पार्ट होता है। तो रिवर्स में चलती है पूरी कहानी, इसमें एंड मिडिल और स्टार्ट इस तरीके से इस कहानी का जो स्ट्रक्चर है होता है। तो इसमें आप पकड़ लीजिए कि कोई एक सीधी कहानी है और मान लीजिए अपने महात्मा गांधी की कहानी हम या थोड़ा सा उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे वो गुजरात में पोरबंदर में पैदा हुए, बड़े हुए, आज़ादी की लड़ाई में वो इन्वॉल्व हुए, उन्होंने देश को आज़ाद कराया, आज़ादी के लिए लड़े और बाद में फाइनली कुछ इंटरनल मैटर्स या कुछ भी हो अपना हिंदुत्व को लेकर कुछ मुद्दा उठा पाकिस्तान के बंटवारे के समय में, जिसमें हिंदुवादियों को लगा कि महात्मा गांधी हिंदुओं के लिए अच्छे नहीं है तो उनको गोडसे ने मार दिया। अब इस कहानी को अगर हमें दिखाना होगा तो हम रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर में किस तरीके से दिखाएंगे, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। और रिवर्स क्रोनोलॉजी बहुत सिंपल नहीं है, इसको समझना बहुत आसान नहीं है। ऐसी इस पे जो फिल्में बनी है जैसे कि मेमेंटो बनी है, इरिवर्सिबल बनी है, उसके बाद इंटरनल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड बनी है, तीन फिल्मों को समझने के लिए देखने के लिए आपको चार पांच बार देखना पड़ेगा तो आप समझ पाएंगे एक्चुअली हुआ क्या है। तो अब गांधी जी की कहानी पे आते हैं। अब मान लीजिए हमें रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए गांधी जी की कहानी दिखानी है तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम पहले दिखाएंगे गांधी जी की मौत से शुरू करेंगे। अब गोडसे ने गांधी जी को गोली मारा और वहां से पूरी कहानी रिवर्स में जाने लगी और जाते 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 वो कहानी उनके जन्म तक पहुंची। मतलब जो शुरुआत है वो लास्ट होगा और जो लास्ट है वही शुरुआत होगा। अगला एपिसोड जो आने वाला है वो अपना आने वाला है रोशमन स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसको पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। नमस्ते, धन्यवाद।